नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। बात करते हैं भवानी मंडी शहर से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी शहर में राष्ट्रीय संत का हुआ आगमन। राज्यसभा सांसद श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज भवानी मंडी पहुंचे और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर महाराज का किया समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत। भवानी मंडी के मेला मैदान प्रांगण अम्बेडकर भवन के पास वाल्मीकि समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भवानी मंडी शहर के समाज के लोगों ने मिलकर महाराज साहब का जोरदार स्वागत करते हुए बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने को लेकर हमने दृढ़ निश्चय किया है और आज भवानी मंडी के समीप समाज बंधुओं ने मिलकर जोरदार स्वागत किया है और उनका धन्यवाद देते हुए समाज को आगे बढ़ने को लेकर प्रवचन के माध्यम से समाज वालों को एक संदेश दिया है। भवानी मंडी में कोटा संभाग की प्रसिद्ध कृषि मंडी में खुले में पड़ा अनाज शुक्रवार को बारिश के चलते बिक गया और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। कृषि मंडी में बदतमीजी से निराश किसानों ने कहा कि इस मंडी में जींस को लेकर नहीं आएंगे। मंडी में इन दिनों अनाज की बम्पर आवक हो रही है और शुक्रवार को भी मंडी में विभिन्न प्रकार की 50,000 कट्टों से अधिक जींस की आवक हुई है। हालांकि मंडी में अधिकांश किसानों को जींस की बिक चुकी थी और तुलाई के बाद कट्टों में भर दी गई थी। ऐसे में उन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 5,000 से अधिक कट्टों में ज्यादा की तुलाई बाकी थी। अचानक हुई बरसात के कारण जींस बिक गई और ग्रैंड एंड सिक्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदीप सालेचा ने बताया कि बरसात के चलते किसानों को अनुमानित 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बानपुरा तहसील के कास्तकार निवासी वृद्ध किसान बंशीलाल ने बताया कि वह 14 क्विंटल अलसी और 25 क्विंटल गेहूं लेकर यहां आए थे और शेड में जगह नहीं होने के कारण उनको खुले में अपनी जींस रखना पड़ा था और 2 बजे बाद अचानक बारिश के चलते उनकी सारी फसल गीली हो गई है। पूर्व में कई बार जी मंडी में शेडों की मांग सचिव महोदय से की है जी, उपखंड अधिकारी से करी है जी, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए रेवेन्यू किसानों के उपज से मंडी समिति को मिलता है जी, लेकिन आज तक वो पैसा भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से जी, आज किसानों को लाखों रुपए का नुकसान बेमौसम बारिश से झेलना पड़ रहा है। जबकि इस झालावाड़ जिले की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा रही है, यहाँ न तो यहाँ के वर्तमान MLA का पता है न सांसद का पता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय कहते हैं कि ये हमारा परिवार है जी। उसके बाद इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनका पता नहीं, ये बिल्कुल गुमशुदा हो जाते हैं जी। जिसका नुकसान यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इन बातों को सुन के मैं व्यापारी होने के नाते हमें भी बहुत दुख होता है जी। लेकिन यहाँ के जो कुंभकर्ण की नींद जो सोया हुआ, चाहे प्रशासन हो, यहाँ के चाहे और जनप्रतिनिधि हो जी। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, वो सब कहीं ना कहीं जो एक बिना मेहनत की कमाई के वो एक ऐसे लापरवाह नेता हो गए हैं कि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है और किसान से कोई मतलब नहीं है। हमने पूर्व में भी अभी 20 दिन पहले भी मंडी बंद करने का निर्णय लिया था, क्योंकि मंडी में काफ़ी अव्यवस्था है। न तो किसान को यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, न यहाँ इनकी टंकियों की समय समय पर कोई सफाई होती है। यहाँ अनेक प्रकार से इस मंडी के अंदर समस्याएँ हैं और हमने पूर्व में SDM साहब को अभी जो ये नया शेड का निर्माण हुआ है इसमें भी पानी जो शेड के अंदर हमने पूर्व में भी चेताया है कि साहब अगर ये बारिश होगी तो इससे ये पानी वापस शेड के अंदर जाएगा। इस शेड को बनाया नहीं बनाया ये बराबर होएगा और एक और मजाक का विषय बनेगा इस मंडी यार्ड के अंदर कि आज एक प्रशासक जो कि यहाँ का SDM प्रशासक है वो भी सूद नहीं ले रहा है। आज उनको नीचे देखने वाली बात है जो कि माननीय उपखंड अधिकारी है। ये बड़ा दर्द का और बड़ा खेत का विषय है कि यहाँ इतने इतने अधिकारी, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा का जिला होने के बावजूद भी यहाँ पे किसानों की इतनी बुरी स्थिति है। हमने पूर्व में भी मंडी की व्यवस्थाओं के लिए माननीय उपखंड अधिकारी को, सेक्रेटरी महोदय को लिखित में दे रखा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनके मौखिक आश्वासन तक रह जाता है। वो अपनी जो उनकी जो ड्यूटी है जी, वो उनकी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान को भुगतना पड़ रहा है। क्या किसानों को जींस के भाव में कुछ राहत दी जाएगी सर व्यापारियों की तरफ से? किसान को अगर राहत, अगर किसान अगर यहाँ से संतुष्ट नहीं होता जी, तो यहाँ 80-80 किलोमीटर दूर से जो अपने माल को लेके आ रहा है जी, अगर उसको उसका दाम नहीं मिलता तो यहाँ इतने किसान इतनी दूर दूर से नहीं आते जी। व्यापारियों से तो संतुष्ट है जी, लेकिन यहाँ की जो मंडी समिति की अव्यवस्था है उसका इन निर्दोष किसानों को भुगतान करना पड़ रहा है। आने वाले समय में भीषण गर्मी को देखते हुए भारत विकास परिषद भवानी मंडी ने जल मंदिर पलकर को प्रारंभ किया है। इसके तहत नागरिक बैंक पर स्थापित जल मंदिर प्याऊ का शुभारंभ करके
संचालन प्रारंभ किया है। परिषद अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और सचिव हेमराज शर्मा ने बताया कि परिषद पिछले 23 वर्षों से भवानीमंडी नगर में परिषद संरक्षक गोविंद बराड़िया के निर्देशन में विशिष्ट हनुमान जल मंदिरों की स्थापना करके राहगीरों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करती आ रही है और इसी के तहत शुक्रवार को झालावाड़ नागरिक सहकारी बैंक के सहयोग से स्थापित जल मंदिर का शुभारंभ बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जेके अरोड़ा द्वारा किया गया। इस अवसर पर बैंक संचालक अभय जैन, डॉक्टर के जुहिया और प्रकाश गुप्ता, सीताराम नवाल, महाप्रबंधक महेश शर्मा, परिषद के प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी, परिषद संरक्षक गोविंद भराड़िया, सचिव हेमराज शर्मा, दिनेश गुप्ता, जितेंद्र गर्ग, ओम गुप्ता, प्रहलाद सिंह, श्याम चौधरी, राजेश खंडेलवाल, प्रमोद नागौरी, राजेंद्र गोयल, प्रदीप शर्मा, दामोदर शुक्ला, संदीप राठौर, यशवंत नड्डा और उमाशंकर पोरवाल, ओम प्रकाश मातासरा, कमलेश दलाल आदि परिषद सदस्य और बैंक स्टाफ वहां मौजूद रहा। इस अवसर पर बैंक महाप्रबंधक महेश शर्मा ने कहा कि बैंक के द्वारा आने वाली गर्मियों में बेजवान पक्षियों को राहत देने के लिए नगर में विविध स्थानों पर 101 परिंदे लगाए जाएंगे। जल मंदिर कार्यक्रम के सूत्रधार गोविंद भराड़िया ने बताया कि भवानी मंडी जिले का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण दूरदराज के गांववासी दोपहर में नगर में आगमन करते हैं। इसमें परिषद द्वारा भीषण गर्मी में शीतल पेयजल के रूप में राहगीरों को राहत प्रदान करने के लिए नगर के प्रमुख भीड़भाड़ और आगमन के स्थानों पर हटनुमा प्याओ के रूप में जल मंदिर की स्थापना की जाती है और विशिष्ट थैली की बनी हुई हट दूर से ही जन आकर्षण का केंद्र होता है और परिषद द्वारा इस गर्मी में भी आधा दर्जन से अधिक जल मंदिर के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। भवानी मंडी पंचायत समिति के विकास अधिकारी रमेश चंद वर्मा द्वारा ग्राम पंचायत आंवली कला और बकानी खुर्द में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया। विकास अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 55 में से 29 श्रमिक उपस्थित मिले हैं। इस दौरान स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत श्रमिकों को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक किया गया, वही लोकसभा चुनाव मतदान करने की शपथ दिलाई। इसके पश्चात ग्राम पंचायत कार्यालय में मनरेगा योजना के अंतर्गत 7 रजिस्टर और कार्यों का पत्रावली का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी का कार्य संतोषप्रद पाया गया। राम मंदिर पचपाड़ पर सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 13 अप्रैल 2024 को कलश यात्रा और राम दरबार शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी रूप में रेखा भी तैयार की गई, जिसमें राम मंदिर समिति अध्यक्ष गोपाल जजाओ, राम मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, मेघवाल विकास समिति अध्यक्ष बाल मुकुंद मेघवाल, अरुण गिरधर, मोहन लाल सरपंच, बल्लाराम बालोदिया और राम लाल वर्मा, शिव कुमार जजाओ, राम ब्रजमोहन, श्रृंगी राहुल पार्षद, गोपाल पाटीदार, सुरेश योगी, चेतन ओझा, ओम पंडित, दिनेश परमार, प्रहलाद गुजर, शिव नारायण, राम प्रसाद, प्रकाश ओसारा, लक्ष्मी नारायण, फतेह सिंह, दिनेश शशावत पोरवाल और धनसुख बगड़ावत, रमेश पेंटर, हेमंत श्रृंगी, कमलेश जितमल, गोविंद सूरज, अनिल भागीरथ, गौरव आदि सर्व समाज जन उपस्थित रहे। अकलेरा शहर में गुरुवार को मत्स्य जयंती पर्व के तहत आरती मीणा समाज अकलेरा के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में शहर सहित आसपास के सैकड़ों गांव से समाज बंधु वहां मौजूद रहे और शोभा यात्रा के दौरान डीजे बाजे के साथ धूमधाम से निकली शोभा यात्रा में एक रथ पर समाज के मंदिर के भगवान के विमान और दूसरे रथ पर मत्स्य भगवान की आकर्षक झांकी, साथ ही ट्रैक्टरों में अन्य झांकियां भी यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में आकर्षक अखाड़े का प्रदर्शन भी समाज द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में मीणा समाज के धर्मशाला से प्रारंभ होकर प्रमुख बाजारों से होती हुई बाईपास मार्ग से गुजरकर अग्रवाल धर्मशाला होती हुई मीणा समाज के बालिका छात्रावास परिसर पर पहुंची, जहाँ शहर के जगह जगह शोभा यात्रा का वार्ड वासियों और समाज बंधुओं द्वारा पुष्प वर्षा और जलपान शीतल पेयजल आदि के द्वारा बहुत स्वागत किया। डग में राजस्थानी संस्कृति में गणगौर पर्व अग्रवाल समाज, सोनी समाज सहित विभिन्न महिला मंडल द्वारा नगर भ्रमण कर पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। राजराजेश्वर शिवालय में सुबह से ही महिलाओं से सज्जत कर उत्साह के साथ गणगौर पूजन के लिए आई तो कहीं गायत्री परिवार पर अंकिता, सोनी, ममता, राजगुरु ने बताया कि पति की लंबी आयु के लिए ईसर गणगौर माता बनाकर पारंपरिक वेशभूषा से उनका पूजन किया जाता है। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में आमजन को मतदान हेतु जागरूक करने एवं शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से जिले में सभी मतदान केंद्रों पर 14 और 21 अप्रैल को आओ बूथ चले अभियान आयोजित किया जाएगा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा ने बताया कि आओ बूथ चले अभियान के तहत 14 और 21 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर ब्यूरो उपस्थित रहकर मतदाताओं को मतदान मार्गदर्शिता और मतदाता पर्ची वितरित करने का कार्य भी करेंगे। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आमजन को मतदान हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से सुनिश्चित मतदाता शिक्षक और निर्वाचक सहभागिता स्वीप अभियान के तहत शुक्रवार को राजस्थान के तत्वाधान में गढ़ परिसर ज्वाले में एक मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता
को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आमजन को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप अभियान के तहत शुक्रवार को एसआरजी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल के निर्देशन में एसआरजी चिकित्सालय के विभिन्न ब्लॉक और वार्डों में स्टाफ अटेंडर और चिकित्सकों और रोगियों को मतदाता शपथ दिलाई और मतदान तिथि 26 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित करने के विरोध में आज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सारे मामले में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक तरफा कार्रवाई से दोषी मानते हुए 3 रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित किया गया और एक कार्रवाई अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई जिसका प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध करते हैं और उन्होंने कहा कि सारे प्रकरण में रेजिडेंट डॉक्टर ने हर स्तर पर अपनी बात रखने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। ऐसे में वे आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं और सारे मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स को के लिए कहा कि यदि निलंबित किए गए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो कल से वे संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और कुछ देर बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देने पहुंचे। देखिए ऐसा है कि जयपुर में जो रेजिडेंट्स के साथ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और एक तरफा कार्रवाई हुई है जो कि पूरी तरह से गलत है। आने वाले टाइम पे यदि उनके जो एपीओ ऑर्डर है यदि वापस नहीं लिए गए तो मजबूरन इसके लिए राज्य सरकार जवाबदार है और हम दिनांक 13 तारीख से कंप्लीट स्ट्राइक पे जाएंगे सारे रेजिडेंट झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से। उसके लिए प्रशासन और राज्य सरकार जवाबदार है क्योंकि जब तक एसएमएस की जो समस्या है वो सोल्व नहीं होगी जब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। पिड़ावा शहर में निवासी कुंदन पवार को भाजपा ने पार्टी में उनकी सक्रिय और निष्ठता को देखते हुए जुग्गी चोपड़ी अभियान लोकसभा क्षेत्र के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र का संयोजक नियुक्त किया। लोकसभा संयोजक त्रिलोक चंद्र डागर और भाजपा स्थित मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा द्वारा कुंदन परमार को विधानसभा संयोजक नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। कार्यकर्ता मनोज कुमार, अरविंद सुमन, चिंटू बना, दीपक मेघवाल आदि ने माला और साफा पहना कर कुंदन का स्वागत किया और वहीं कुंदन परमार में उनकी नियुक्ति पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, चुग्गी झोपड़ी और अभियान प्रदेश संयोजक डॉक्टर सौम्या गुजर, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मुकेश गर्ग, झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह, लोकसभा संयोजक त्रिलोक चंद डागर एवं भाजपा स्थित मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा द्वारा उनका आभार जताया। पिड़ाव में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पिड़ाव नगर के शक्ति केंद्र और बुद्ध अध्यक्ष की बैठक निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ की उपस्थिति में संपन्न हुई और बैठक में शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्षों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, जीवंदर जैन, जिला उपाध्यक्ष बालकिशन जमीदार, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जैन, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजूमाली भाड़, भूषण प्रेमी पार्षद प्रमोद जैन, सुधीर जैन, महावीर जैन, ब्रजराज पाटीदार, ऋषभ जैन, शक्ति केंद्र संयोजक आनंदपुरी, रामेश्वर गोस्वामी, राकेश मीणा, आदित्य शर्मा, जीवन टंडेल, प्रदीप जैन, बालू सिंह, मनोज निडर, नासिर मोहम्मद, चैन सिंह, दिलीप पाटीदार, विक्की जैन, कैलाश सेन, मनु अग्रवाल, राजू दांगी आदि वहां उपस्थित रहे। पिड़ावा शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुराने भवन में संचालित कंप्यूटर लैब शुक्रवार को करीब 4:30 बजे अचानक गिर गई है। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका था और विद्यालय में इसी पुराने भवन से कंप्यूटर लैब संचालित होने के साथ ही यहां विद्यालय के रिकॉर्ड की अलमारियां और परीक्षा संबंधी सामग्रियां भी रखी हुई थी। छत गिरने से कंप्यूटर और सभी आवश्यक की सामग्रियां मलबे में दब गई है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय विद्यालय में कोई नहीं था और दोपहर 1 बजे छुट्टी हो जाने के कारण स्टाफ और छात्र भी वहां मौजूद नहीं थे जिससे यहां बड़ा हादसा होने से टल गया है। गौर करने की बात यह है कि विद्यालय का यह भवन काफी प्राचीन होने के बाद सार्वजनिक निर्माण और शिक्षा विभाग ने इसे अब खारिज घोषित क्यों नहीं किया। कमरे के अलावा प्राचीन भवन के अन्य कमरे भी जर्जर हालत में, इनमें से कुछ कक्षाएं लगती है तो कुछ में प्रिंसिपल कक्ष है। अगर उक्त भवन को समय रहते खारिज नहीं किया गया तो यहाँ भविष्य में बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रामगढ़ मंडी में कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन विभाग तैयारियों को पूरा करने में जुट चुका है और शुक्रवार को मंगलम क्लब हाउस में लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर मीटिंग आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता उपखंड रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार सिंगल ने की है। और रामगंज मंडी में लोकसभा चुनाव की होम वोटिंग 14 अप्रैल से शुरू होगी जो 19 अप्रैल
तक चलेगी और मीटिंग में क्षेत्र में बूथों पर सेक्टर ऑफिसर सुपरवाइजर यूएलओ और जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। साथ ही बूथों पर मतदाताओं को बैठने के लिए छायादार व्यवस्था, पेयजल, फर्नीचर, बिजली आदि की व्यवस्था को लेकर सुकेत रामगंज मंडी नगर पालिका ईओ दीपक नागर और ग्रामीण क्षेत्र के खेराबाद पंचायत समिति खंड विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा को व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। वहीं रामगंज मंडी में लोकसभा चुनाव के 257 मतदान केंद्र और 12 सहायक केंद्र होंगे, जिसमें से मुख्य केंद्रों पर मतदाताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए 8 युवा बूथ और 8 महिला पिंक बूथ और एक एक ग्रीन और दिव्यांग बूथ बनाए जाएंगे, ताकि मतदाताओं में उत्साह रहे और शत प्रतिशत मतदान हो सके। शामगढ़ में नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू भाई नरेंद्र यादव ने आज सत्य साइन टाउनशिप में जाकर आम नागरिकों के लिए जनसंवाद किया और वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। सड़क के नगरीकरण के कार्य का अवलोकन भी करते हुए राजू भाई नरेंद्र यादव ने बताया कि नगर में 15 ही वार्डों में बिना किसी भेदभाव के उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़क और सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। शामगढ़ में कुछ वर्षों से ही सभी वार्डों में सड़कों का निर्माण कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता की मंदसौर में निकलने वाली नामांकन रैली आमंत्रित करने आई लोकसभा प्रभारी महिला मोर्चा रमा गुजर ने आज भेसुदा मंडी भाजपा कार्यालय में बैठक के माध्यम से महिलाओं से आग्रह किया कि अधिक से अधिक महिला नामांकन रैली में उपस्थित रहे और इस बार रिकॉर्ड मत से विजय बनाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बैठक में निर्मला गुप्ता जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मंदसौर मनुप्रिया यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंदसौर सुनीता गुजरिया, जिला उपाध्यक्ष रंजना पांडे, प्रभारी मेलखड़ा गायत्री, अजय पुराणिक नगर परिषद बेसुधा रविनाथ शर्मा, महिला अध्यक्ष बेसुधा रेखा गुजर, पार्षद आशा चंदेल, रेखा गुजर, पूजा गुजर, नगर की महिलाएं वहां उपस्थित रही। सभा प्रबंधन, आज आपके आयोजन क्या है? अभी आज हम सभी महिला मोर्चे की बहनें, हमारी महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष, हमारी उपाध्यक्ष और सभी बहनें यहां पर बैठक लेने आए थे मंडल वाइज। आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर के हमको सभी बहनों को घर घर अभियान चुनाव को लेकर को जगाना था और बहनों को हमारे सांसद जी, माननीय सांसद जी 20 अप्रैल को नामांकन पत्र भर रहे हैं, इसलिए हम सभी बहनों को यहाँ ये निर्णय देना आए थे कि आप सबको 20 तारीख को पधारना है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सबको फिर से कमल खिलाना है। इसी कार्यक्रम को लेकर नामांकन रैली कहाँ पर रहेगी? मंदसौर में लेकर के आज हम सब बहनों ने यह कार्यक्रम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी बहनें बहुत ही उत्साह उमंग के साथ आई थी और सभी ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में हम फिर से मोदी सरकार बनाएंगे और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से हम पुनः देश का प्रधानमंत्री। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begin say a pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422, 9887267439। नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए
और इस योजना का लाभ उठाइए। एडमिशन ओपन RBSE अफिलियेशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम नर्सरी टू 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सोशियोलॉजी हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी इक्विप्ड लेबोरेटरी एंड परफेक्ट कंप्यूटर लैब। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान। फोन नंबर 8769602008 9784888 3535